हम लोगों का पैसा कई बार फंस जाता है, वो चाहे कोई बिजनेस के तौर पे देख लीजिए, या फिर हम कई बार किसी अपने यार दोस्त या मित्र को पैसे दे देते हैं। ऐसी कंडीशन में हम लोग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में आ जाते हैं। आपको ये उपाय बताऊंगा, अगर ये उपाय आप लगातार करते जाते हो तो आपको अपने फंसे हुए पैसे वापस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। नमस्कार। तो आइए आज आपके साथ मैं बात करूंगा एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक है कि हम लोगों का पैसा कई बार फंस जाता है, वो चाहे कोई बिजनेस के तौर पे देख लीजिए, या फिर हम कई बार किसी अपने यार दोस्त या मित्र को पैसे दे देते हैं और किसी न किसी कारण वो मित्र, यार दोस्त या फिर बिजनेस पार्टनर हमें पैसा वापस करने में असमर्थ हो जाता है, हमें पैसे वापस नहीं मिल पाते हैं। ऐसी कंडीशन में हम लोग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में आ जाते हैं, हमारे भी अपने काम जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं वो भी करने नामुमकिन से लगते हैं, क्योंकि अगर हम बिज़नेस के बीच में बात करते हैं तो बिज़नेस का पैसा जितनी देर रोटेट होता जाएगा तभी पैसे के साथ पैसा और हम कमा पाएंगे या उसको और बढ़ा पाएंगे। और दूसरे नंबर पे कई बार हमने सेविंग्स कर रखी होती हैं और हमारा अगर कोई रिश्तेदार या फिर हमारा कोई दोस्त कई बार कोई मुसीबत में फंसा होता है, उसके रिक्वेस्ट करने पे हम उसकी मदद तो कर देते हैं, लेकिन वो मदद उस टाइम पे मुश्किल में बन जाती है। और जब हम अपने पैसे को वापस मांगते हैं, जब हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस समय वो रिश्तेदार या दोस्त हमें वो पैसे वापस करने में असमर्थ सा फील होता है, और या फिर हमसे कन्नी कतराता रहता है, और या फिर हमें पैसे किसी ना किसी तरीके से वापस नहीं देता है। तो ऐसी कंडीशन में हम बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके बिजनेस में आपके पैसे फंस चुके हैं, या फिर आपने किसी अपने यार दोस्त या मित्र को या किसी रिश्तेदार को पैसे दे रखे हैं, तो आपको मैं आज एक उपाय बताऊंगा। अगर ये उपाय आप लगातार करते जाते हो तो आपको अपने फंसे हुए पैसे वापस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और आप अपने जीवन में जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम से धीरे धीरे निकलते जाएंगे। तो मैं बात करूंगा उस उपाय के बारे में। वो उपाय आपने क्या करना है, आप कोशिश करिए हर बुधवार या फिर शनिवार को ही ये उपाय करें। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, पहले मैं आपको वो नोटिस करवा देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक गरी गोला लेना है। आप किसी भी पंसारी की दुकान से या फिर किसी भी किराना स्टोर से एक गरी गोला बोल सकते हैं उनको, वो आप लेके आइए। दूसरे नंबर पे आपको नील लेना है, जो कि हम अपने कपड़ों में, वाइट कपड़ों में, हमने ज़्यादातर देखा है कि वाइट कपड़ों में नील का प्रयोग करते हैं, वो वाला नील, उसकी एक डिबिया लेके आनी है। और आपको तीसरी कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करें, आप जो गरी गोला आप लेके आए हो, सबसे पहले उसको आप ऊपर के पोर्शन से, मतलब गरी गोला ऐसे होगा जो मैंने यहाँ पे आपको फोटोग्राफ में भी दिखाई देगा, आप उसको ऊपर से आप ऐसे थोड़ा सा काट दीजिए किसी चाकू या किसी छुरी की मदद से। उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको भी आप दो तीन पोर्शन करके उसके बीच में ही डाल दीजिए, और उसके बीच में जो आप दूसरे नंबर पे नील लेके आए हो उस नील को भर दीजिए। आपको फिर क्या करना है, भरा हुआ नील का गरी गोला आपको अपने सिर से 7 बार घुमाकर, मैं फिर से रिपीट करूंगा, अपने सिर से 7 बार घुमाकर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक नहीं घुमाना है, आपने क्लॉकवाइज ऐसे करके घुमाना है, 1 2 3 ऐसे, 3 की बजाय 7 बार अगर आप करते हो, तो आपने अपने सिर से इसको 7 बार घुमाने के बाद
ऐसे करके 7 बार घुमाने के बाद इसको आपने चलते हुए पानी में, आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी पुल के ऊपर से भी ये उपाय कर सकते हो, आप चलते हुए पानी में पुल के ऊपर से खड़े होकर ऐसे पकड़ के उसको जोर से नीचे फेंकना है, और जब भी वो बीच में जाएगा ऐसा साथ में बोलते जाना है, हे प्रभु मेरे फंसे हुए पैसे मुझे वापस मिल जाएं, मैं ये इल्तिजा आपके चरणों में करता हूँ। ऐसा मन में साथ साथ में आपने रटते जाना है। बोलने के बाद आपने जब ये उपाय कर लेना है, फिर घर पे वापस आकर घर के बाहर ही रुक के हाथ मुंह धो के घर के अंदर एंटर करिए, और एंटर करने के बाद आप घर में कुछ ना कुछ मीठा जरूर खाइए, और मीठा खाने के बाद आपका उपाय सफल हो जाएगा। ऐसा उपाय लगातार आप 7 से लेके 11 बुधवार या फिर शनिवार कर देते हो, इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, आपके फंसे हुए पैसे बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। तो आप इस प्रयोग को जरूर करिए और अपने जीवन को थोड़ा सा सुखी जरूर करिए। तो आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। यदि आप भी जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे शादी में देरी, पति पत्नी में मनमुटाव व तलाक की नौबत आना, नौकरी व्यापार में मेहनत का फल न मिलना, हर कार्य में बाधा, आज ही आचार्य जी से अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।